सीवी श्रीधर ने साल 1961 में मूवी नजराना से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में राज कपूर, वैजयंती माला, उषा किरण, आगा और जैमिनी गणेशन शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 30 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 50 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1963 में इनकी अगली मूवी आई दिल एक मंदिर। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, शोभा खोटे, अचला सचदेव, राजकुमार और महमूद शामिल थे। ये एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 55 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1966 में इनकी अगली मूवी आई प्यार किए जा। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, किशोर कुमार, मुमताज, ओम प्रकाश और महमूद शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 90 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1967 में इनकी अगली मूवी आई नई रोशनी। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, राजकुमार, माला सिन्हा, विश्वजीत, अनवर हुसैन और असित कुमार सेन शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1968 में इनकी अगली मूवी आई साथी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, सिमी गेरेवाल, वीना और डेविड अब्राहम शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 80 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1970 में इनकी अगली मूवी आई धरती। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, कुमकुम, कामनी कौशल, अजीत और बलराज साहनी शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1971 में इनकी अगली मूवी आई दुनिया क्या जाने। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रमेंद्र, अनुपमा, मनोरमा, नासिर हुसैन और मनमोहन शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1973 में इनकी अगली मूवी आई गहरी चाल। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, बिंदु और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 80 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1982 में इनकी अगली मूवी आई दिल ए नादान। इस मूवी के लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, जया प्रदा, स्मिता पाटिल, दीना पाठक, ओम प्रकाश और आगा शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको सी वी श्रीधर की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। सी वी श्रीधर की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।